आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। अयोध्या में अब बहुत ही जल्द एक बड़ी मस्जिद बनेगी, जिसका जश्न भी इसी तरह से होगा। जम्मू के रघुनाथ मंदिर में अयोध्या के राम मंदिर का जश्न मनाने के बाद बीजेपी के यूटी चीफ रविंदर रैना ने कहा कि अयोध्या में जिस तरह राम मंदिर की तकरीब का जश्न मनाया गया है, उसी तरह से कुछ वक्त में वहाँ एक बहुत बड़ी मस्जिद की भी इफ्तिताह होगी, जिसके लिए काबा शरीफ से इमाम आएंगे। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी की जानिब से अपना 11 दिन लंबा रोजा तोड़ दिया गया। बताते चले तो अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। वहीं इस मौके पर मुकेश अंबानी से लेकर तमाम बिजनेसमैन, बॉलीवुड के सितारे समेत सियासतदान भी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात को लेकर सरगर्मियां तेज। ज़राए के मुताबिक लोकसभा इंतखाबात के साथ ही असेंबली इंतखाबात करवाए जा सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद खबरों का बाजार गर्म। एक मुल्क एक इंतखाबात को लेकर साबक सदर रामनाथ कोविंद की सरबराही वाली कमेटी को मिले 21,000 मशवरे। 81% लोगों ने मुल्क में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात एक साथ करवाने के ख्याल पर इत्तेफाक किया। वाज़े रहे कि कमेटी की जानिब से 15 जनवरी तक के वक्त के अंदर ही लोगों को मशवरा देने के लिए कहा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को 13 साल जेल में डाल दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, बोले जवाहरलाल नेहरू ने मेरे वालिद को 13 साल जेल में रखा, पर मैं उसके लिए उन्हें गलत नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं यही कहता हूं कि उनका नजरिया कुछ और था। 22 जनवरी 2024 कोई तारीख नहीं, बल्कि ये एक नए दौर का आगाज है। 1,000 साल बाद भी लोग इस तारीख को याद रखेंगे, क्योंकि ये दस से देश और राम से राष्ट्र की शुरुआत है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने राम मंदिर की तकरीब के बाद लोगों से खिताब करते हुए कहा कि मैं पहले भगवान राम से माफी मांगता हूँ कि हमारी इबादत में कुछ तो कमी रह गई होगी, कि ये काम हम इतनी सदियों तक नहीं कर पाए। उन्होंने मजीद कहा कि मैं जानता हूँ कि वो माफ कर देंगे। आज जो चंद्रयान 3 चांद पर बैठा हुआ है, वो जवाहरलाल नेहरू की ही देन है। फारूक अब्दुल्ला ने जवाहरलाल नेहरू के नजरिए और बीजेपी के नजरिए पर बयान देते हुए कहा कि जवाहरलाल नेहरू की मेहरबानी है कि उन्होंने इसरो बनाया, जिसके चलते आज चंद्रयान 3 चांद पर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है अपने दौरे इक्तदार में ओपोजिशन ने एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में कुछ नहीं किया। मुझे इन पर अफसोस है कि ये इतना झूठ बोलते हैं और ये इंदिरा गांधी के ग्रीन रेवोल्यूशन को भी भुला चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अब ये तय करेंगे कि कौन और किस वक्त मंदिर जाएगा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हैबोरा गांव में रोके जाने और मंदिर न जाने की इजाजत देने पर पुलिस वालों से सवाल किया। बताते चले कि हुकाम की जानिब से ये कहा गया कि राहुल गांधी 3 बजे के बाद ही मंदिर में जा सकते हैं। ताहम राहुल गांधी पीर के रोज अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा मकामी देवताओं को सजदा करके शुरू करने वाले थे। 2024 जम्मू और कश्मीर की तरक्की के लिए बहुत अहम साल होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ऐलान करते हुए कहा 2024 जम्मू कश्मीर के लिए अहम साल होने वाला है। साथ ही अवामी बिलखसूस नौजवानों से तिरंगा लहराने और आने वाले योमे जमहूरिया की तकरीबात में शिरकत करने की भी अपील की। मिट्टी की सेहत और पैदावार सलाहियत को बेहतर बनाकर किसानों की आमदनी में इजाफा करने के मकसद से काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च में एक अलग मंसूबा लॉन्च किया है, जिससे कि मुल्क भर की कई खित्ते के मुताबिक फसलों के लिए स्मार्ट एग्रो टेक्नोलॉजीज बनाई जाएंगी। वाज़ेह रहे कि इन मुख्तलिफ फसलों में जम्मू कश्मीर यूटी से सेब, जाफरान, धान और गरबेरा शामिल है। 22 जनवरी यानी आज आधे दिन की छुट्टी के पेश नज़र कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से आज होने वाले तमाम इम्तहान मुलतवी करने का ऐलान किया गया। यूनिवर्सिटी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस बात की इत्तला दी गई। साथ ही मजीद नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया कि मुलतवी किए गए इम्तहान का इनेकाद की अगली ताज़ा तारीखों को अलग से मुतला किया जाएगा। असम के हैबोरा गांव में पीर के रोज जबरदस्त तमाशा हो गया, जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को हुकाम की जानिब से वहां के करीब बोरदुआ में श्री श्री शंकर देव सत्र मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दी गई। राहुल गांधी को हैबोरा गांव में ही कांग्रेस के बाकी लीडरान के साथ रोक दिया गया और आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद कांग्रेस की महिला लीडर और बाकी लीडरान इजाजत न देने के खिलाफ एहतजाज करने के लिए धरने पर बैठ गए। अदालतें हुकूमत को पार्लियामेंट के मंजूर करदा कानून को मुतला करने के हुक्म नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट ने इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोर्ट की बाज़ दफ़ात को नफाज करने की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए पीर के रोज कहा यह हुकूमत पर है कि वो पार्लियामेंट से मंजूर शुदा कानून को मुतला करें, ये अदालत के इख्तियार से बाहर है।
हड्डियों को जमा देने वाली ठंड ने कश्मीर को अपनी लपेट में ले लिया, जबकि पीर के रोज जम्मू में गैर मामूली से कम दर्जा हरारत ने जिंदगियों को मुतासिर कर दिया। चिले कलान का तवील अरसा 30 जनवरी को खत्म होने वाला है, पर इस बार अभी तक बदकिस्मती से काबिले जिक्र बर्फबारी नहीं हुई है। जम्मू और कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट मरकज के जेर इंतजाम इलाके के हर जोन में एक वर्चुअल लैब के कयाम के लिए एक और दरख्वास्त जमा करने के लिए तैयार है। बताते चले तो इस कदम का मकसद तलबाओं में साइंस मिजाज को फरोग देना है। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की तकरीब के साथ साथ आज जम्मू के रघुनाथ मंदिर में भी खुसूसी दुआओं और तकरीबात का इनेकाद किया गया। वाजे रहे कि रघुनाथ मंदिर रामायणा से वाबस्ता मुख्तलिफ देवी देवताओं के मंदिरों से गिरा हुआ है। जम्मू और कश्मीर के बारामूला जिले में एक 26 साल नौजवान की आग लगने के वाकये में मौत हो गई, जबकि दो रिहायशी मकान जलकर खाकस्तर हो गए। फायर एंड इमरजेंसी के अहलकार के मुताबिक एक रिहायशी मकान में रात के 2:30 बजे आग लगी, जिसने अपनी लपेट में दूसरे मकान को भी ले लिया, जिससे अमला को काफी ज्यादा नुकसान पहुँचा है। वही मलबा हटाते वक्त एक जली हुई लाश भी बरामद हुई, जिसकी शनाख्त आदिल अहमद हुई है। आग लगने की वजह बिजली का शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वही दूसरी जानी पुलिस ने केस दर्ज कर मामले में कार्यवाही शुरू कर दी है। यौम जमहूरिया के मौके को देखते हुए अब जम्मू और कश्मीर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ अलग जगहों पर भी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तलाशी ली जा रही, ताकि 26 जनवरी की तकरीब में कोई परेशानी ना आए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब कोई भी फसाद नहीं होगा, ना मस्जिद ना मंदिर को लेकर। अयोध्या में राम मंदिर की तकरीब के बाद भारतीय जनता पार्टी के लीडर शाहनवाज हुसैन ने कहा, मुझे भी ये मौका मिला कि मैं भी राम मंदिर आ सकूं, और अब उम्मीद करता हूं कि मुल्क में सब मिलकर रहेंगे। और हिंदुस्तान में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भड़का पाकिस्तान। पाकिस्तान के मशहूर अखबार में लिखा गया कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये नहीं भूलना चाहिए कि जहां आज पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वहीं कभी 500 साल तक मस्जिद हुआ करती थी जहां उन्होंने नमाज पढ़ी है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पज़ीर। दीजिए इजाजत लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।